चलिए सीधे रुख कर लेते राजधानी रायपुर का, जहां राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा करें उप मुख्यमंत्री अरुण सिंह। आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि 1 नवंबर 2000 को अलग छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई और जैसा आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य की स्थापना भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दृढ़ संकल्प और छत्तीसगढ़ वासियों के प्रति उनके स्नेह के कारण ये अलग छत्तीसगढ़ राज्य बन सका। ये 24 वर्षों का सफर इस 24 साल के सफर में छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में तरक्की और प्रगति की है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर राज्य ने प्रगति न की हो और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमने उस संकल्प को फिर से दोहराया कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे और छत्तीसगढ़ को संवारने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। एक तरफ राज्योत्सव चल रहा है, दीपोत्सव भी चल रहा है। मैं आप सभी को राज्योत्सव की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन एकात्म पथ में 11,000 दिए जलाकर हमने राज्योत्सव का शुभारंभ किया और राज्य स्तरीय आयोजन 4, 5 और 6 को आयोजित है। राज्योत्सव का शुभारंभ कल जैसे आपने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ हुआ, विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और बड़ी संख्या में लोग उत्साहपूर्वक कल के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए। आज दूसरा दिन है, आज दूसरे दिन के मुख्य अतिथि हमारे माननीय राज्यपाल रमेन डेका साहब रहने वाले हैं और आज भी विविध प्रकार के आयोजन होने वाले हैं। कल समापन समारोह होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए डॉक्टर सत्यभामा आडिल शंकर नगर रायपुर को यह सम्मान दिया जाएगा। चक्रधर सम्मान, शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए ये दिया जाता है। इस बार यह सम्मान पंडित श्री सुधाकर रामभाव सेवलीकर भिलाई जिला दुर्ग को यह सम्मान इस बार दिया जाएगा। दाऊ मंदराजी सम्मान, लोक नाट्य एवं लोक शिल्प के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। इस बार यह सम्मान पंडी राम मंडावी गढ़ बंगाल जिला नारायणपुर को यह सम्मान इस बार दिया जाएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार, कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए इस बार यह पुरस्कार संयुक्त रूप से श्री शिव कुमार चंद्रवंशी कोको जिला कबीरधाम एवं श्री खेमराज पटेल गंधरा चुवा जिला
सारंगढ़ बिलाई को ये दिया जाएगा। महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक समरसता के लिए यह सम्मान इस बार श्री सियाराम अग्रवाल शंकर नगर रायपुर को दिया जाएगा। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट मीडिया हिंदी इस क्षेत्र में काम करने के लिए इस बार यह सम्मान अलंकरण श्री भोलाराम सिन्हा दैनिक नवभारत रायपुर को दिया जाएगा। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी यह पुरस्कार इस बार श्री मोहन तिवारी TV24 रायपुर को दिया जाएगा। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट मीडिया अंग्रेजी यह पुरस्कार इस बार श्री मुकेश एस सिंह को दिया जाएगा। दानवीर भामा शाह सम्मान दानशीलता सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के लिए श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल VIP रोड जिला रायपुर को दिया जाएगा। धन्वंतरी सम्मान आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा शोध अनुसंधान के क्षेत्र में डॉक्टर मनोहर लाल लहेजा महावीर नगर रायपुर श्रीमती बिलासा देवी केवट मत्स्य विकास पुरस्कार मछली पालन के क्षेत्र में काम करने के लिए श्री विनोद दास कोसरंगी आरंग जिला रायपुर को दिया जाएगा। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान आदिवासियों के सेवा और उत्थान के लिए यह पुरस्कार इस बार छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान अनुपम नगर रायपुर को दिया जा रहा है। स्वर्गीय महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार श्रमिकों की सुरक्षा और उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य करने के लिए श्री सुरेंद्र कुमार राठौर NTPC कोरबा और श्री शोभा सिंह रिसाली सेक्टर भिलाई दुर्ग एवं श्री ललित कुमार नायक भिलाई दुर्ग को दिया जाएगा। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान अनुसंधान के क्षेत्र अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में ये दिया जाता है। श्री राम नरेश यादव मोपका जिला बिलासपुर को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ अप्रवासीय भारतीय सम्मान देश के बाहर अप्रवासीय भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण साहित्य मानव संसाधन निकाय अथवा आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार इस बार श्री आनंद कुमार पांडे किस सेना BLVD न्यूयॉर्क जो मूल रूप से बिलासपुर जिले के रहने वाले हैं उनको दिया जाएगा। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार लोक कला के क्षेत्र में श्री भगत गुलेरी पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा। किशोर साहू सम्मान हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन निर्देशन अभिनय पटकथा निर्माण इस क्षेत्र में काम करने के लिए इस बार यह अलंकरण श्री प्रकाश अवस्थी पुरानी बस्ती जिला रायपुर को दिया जाएगा। देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार श्री साधेलाल रात्रे मुढ़िया जिला मुंगेली को ये पुरस्कार दिया जाएगा। लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान छत्तीसगढ़ी लोक गीत के क्षेत्र में काम करने के लिए श्रीमती निर्मला ठाकुर बेलचंदन भाठा गांव जिला रायपुर को दिया जाएगा। खुमान साव सम्मान छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में श्री दुष्यंत कुमार हरमुख
मरोदा सेक्टर भिलाई जिला दुर्ग, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, आंचलिक साहित्य एवं लोक कविता के क्षेत्र में काम करने के लिए डॉक्टर पीसी लाल यादव, गंडई जिला खैरागढ़ छुई खदान, किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन, ये श्री सतीश जैन भाटागांव जिला रायपुर को दिया जाएगा। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान, विधि के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए श्री सुरेंद्र तिवारी अज्ञे नगर बिलासपुर एवं श्री प्रकाश चंद्र पंत आमापारा कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार, महिलाओं में वीरता शौर्य साहस और आत्मबल को सशक्त बनाने के लिए काम करने के क्षेत्र में श्रीमती अदिति कश्यप जिला कबीरधाम को ये सम्मान इस बार दिया जा रहा है। माता बहादुर कलारिन सम्मान, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष और नारी उत्थान के क्षेत्र में कुमारी चित्र रेखा सिन्हा नगपुरा जिला दुर्ग। पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान, रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा श्री अतुल जैन नई दिल्ली को दिया जाएगा। स्वर्गीय बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार, श्री पन्नालाल देवांगन चंद्रपुर जिला शक्ति और श्री होरीलाल देवांगन शशिपुर जिला शक्ति को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। राज राजेश्वरी करुणा माता हाथ करघा प्रोत्साहन पुरस्कार, ये इस बार श्री तो राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार की घोषणा आपको बता दें आज हो रही है, जहां पर मुंडाधुर सम्मान छोटी मेहरा और मिनी माता सम्मान सतनामी को मिला है। इसके अलावा गुरु घासीदास सम्मान राजेंद्र को मिला है। ठाकुर प्यारेलाल सम्मान ऋषिकांत जी को दिया गया है। चंदूलाल चंद्रकार सम्मान से भी आज आपको बता दें उसको लेकर भी अनाउंसमेंट की गई है। शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान भी दिया गया है। यति यतनलाल सम्मान मनोहर गौशालों को दिया गया है। तो गुंडाधर सम्मान छोटी मेहरा और मिनी माता सम्मान सनातनी महिला प्रगति को दिया गया है। गुरु घासीदास सम्मान राजेंद्र जी को दिया गया है। ठाकुर प्यारेलाल सम्मान शशिकांत द्विवेदी जी को दिया गया है। तो राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा आज की गई है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव इस पुरस्कार को लेकर घोषणा कर रहे हैं। अलग अलग पुरस्कारों की घोषणा इस दौरान की गई है। मिनी माता सम्मान सतनामी महिला को दिया गया है और गुरु घासीदास सम्मान की भी अनाउंसमेंट आज हो गई है। इसके अलावा चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार को लेकर भी नामों का ऐलान कर दिया गया है। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा यति यतनलाल सम्मान मनोहर गौशाला खैरागढ़ को दिया गया है। तो गुंडाधर सम्मान फिर आप सबको धन्यवाद देते हुए, आप सबको धन्यवाद और आप सभी को राज्योत्सव में आमंत्रित करता हूं। आप जरूर आए, अच्छे कार्यक्रम हमने तय किए हैं, आप कवर भी करें, आप भी आनंद लें, परिवार के साथ आए और आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को राज्योत्सव में आमंत्रित करता हूं। आज सभी जिला मुख्यालयों में भी राज्योत्सव का धूमधाम से आयोजन हो रहा है। स्वल्पाहार के लिए आमंत्रित करते हैं आप सभी को स्वल्पाहार के लिए आमंत्रित करता हूं मैं, अभी आपके साथ हम लोग भी शामिल होंगे।
तो आपको बता दें कि राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा आज कर दी गई है। अलग अलग क्षेत्र में सम्मान आज दिया जाएगा। आपको बता दें सम्मानों की घोषणा कर दी गई है और नामों की घोषणा भी आपको बता दें की गई है। और चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार से लेकर चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान का भी आज ऐलान कर दिया गया है। आने वाले समय में आप बता दें सभी लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आज नामों का ऐलान हो चुका है और सतनामी महिला जागृति समिति का दिया गया है। गुरु घासीदास सम्मान राजेंद्र गिलहरे को दिया गया। ठाकुर प्यारेलाल सम्मान शशिकांत द्विवेदी जी को दिया जाएगा। प्रिंट मीडिया को भी आप बता दें सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा मोहन तिवारी को सम्मान मिलेगा और चक्रधर सम्मान सुधाकर जी को मिलेगा।